हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आप लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट किया था। 10 वीडियोस हम लोगों ने बनाए थे और कई ढेर सारे सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर और बीम इंजीनियर के साथ आप मिले थे, जिसमें आपने शुभम तिवारी के साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस का सपोर्ट किया। बहुत आप लोगों को पसंद आया कि सर शुभम तिवारी सर को फिर से लेके आइए। तो इस बार फिर से पॉडकास्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, एक तरीके से समझो तो पंचायत की सीरीज नंबर 2 है, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको निचोड़ के हम लोग यहाँ पर 1 घंटे में शेयर करने वाले हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो शुभम का एक्सपीरियंस है, दोनों का आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फिर से इस सीरीज के स्टार्ट करते हैं। इस बार 10 नहीं, कोशिश करेंगे इसको 50 तक लेके जाया जाए और आप लोग भी इसमें सहभागिता ले सकते हैं। मुझे मेल आईडी पर मेल करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है। इफ़ यू वांट टू शेयर योर नॉलेज, यू कैन कम इन आवर प्लेटफॉर्म्स एंड अपने नॉलेज को लोगों तक पहुँचाइए। क्योंकि मैं यही मानता हूँ, जो जितना नॉलेज शेयर करता है उसका उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है और उसका एक रिजल्ट मैं हूँ, एक रिजल्ट शुभम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। एक तरीके से बोलिए सीरीज का स्टार्टिंग है और शुभम हमारे लिए तो वैसे तो बहुत लकी है और हमारा काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से लाइक नॉलेज शेयर होता रहता है। हमने सोचा चलो इस प्लेटफॉर्म पर नॉलेज शेयर करते जिससे सबको नॉलेज मिले। शुभम, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग। ओके, तो आज हम लोग का वैसे संडे था तो हम लोगों ने सही प्लान किया कि चलो आज के दिन तुम्हारे भी नॉलेज शेयर हो जाएगा प्लस हमारा भी, तो इस तरीके से अच्छा सा एक कम्युनिकेशन भी हो जाएगा हम लोग का, है ना? जी सर। ओके शुभम, क्या बोलते हैं, जैसे कि तुमने पहले लास्ट टाइम तो बता ही चुके हो कि हमने कैसे स्टार्ट किया अपने कैरियर को। कुछ लोग अभी ना थोड़े कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो तुम्हारा क्या करना रहेगा उनके लिए? सर मेरा कहना यही है, एक्चुअल में कॉलेज लेवल पे हमें बीटेक लेवल पे यही पता होता है कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब साइट, हमें ये कोई गाइड करने वाला मिलता ही नहीं है और प्लस हम जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। हमारे कॉलेज में आते हैं जो भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो बस ऑटो कैड का बताते हैं, ऑटो कैड ड्राफ्टिंग टूल है। अरे भाई, आप बीटेक किए हो, वो डिप्लोमा लेवल की चीज है और आप बीटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, एक्चुअल में इंजीनियर हैं, और तो ये मतलब लैक ऑफ इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में ज्यादा आती हैं। हम दूसरों को देखते हैं वो क्या कर रहा है और कॉलेज लेवल से निकल के आजकल कॉलेज में क्या हो गया है, बस उनको प्लेसमेंट दिलानी है। और कोर में हर आदमी देखता है कि कोर में हम सिविल से हैं, सिविल में 8-10-15 हज़ार की जॉब मिल रही है, तो नहीं जाना चाहते हैं, सोच रहे क्यों जाएं, हमें इससे अच्छा हम आईटी में स्विच कर लें या अदर किसी फाइनेंस में चले जाएं, इधर उधर चले जाते हैं। तो सर हमारा कहना यही है कि सबसे पहले जानो बीटेक भर में, ये जानो कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या है और किस किस डायरेक्शन में आप ग्रो कर सकते हैं, उधर अपना एक पाथ चूज करो, कोई गाइड चूज करो, अच्छे से मतलब अपनी प्रैक्टिस वगैरह करो, जो भी अपना पाथ चूज कियो उसको फॉलो करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी सर। करेक्ट है। और कई लोगों ने मतलब कि एक्सप्लोर नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉलेज के टाइम पे लोग सपोज एक साइट इंजन डोमेन आपको पता चल गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप डोमेन और तो सर्च करो कि और क्या मार्केट में चल रहा है ना। जब तक मार्केट को सर्च नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। दूसरी चीज, कई लोग कहते हैं कि सर मैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स को सीखूं जिससे मैं स्ट्रक्चर्स में आ सकूं, तो पहले तो मैं बोलता हूं कि सॉफ्टवेयर केवल सफिशियंट नहीं है, उसके साथ बहुत से कॉन्सेप्ट, पर मैं तुमसे जानना चाहूंगा तुम क्या बताते हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट है एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर। देखो अगर स्ट्रक्चर में जाना है तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है सोम, और सोम तभी आएगी जब आपको आएगी मैकेनिक्स। तो सबसे पहला फंडा हमें 12th लेवल की मैकेनिक्स आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम सोम में एंटर करेंगे, सोम के बाद फिर आएंगे हम स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर एनालिसिस पार्ट 1 पार्ट 2 दो हमारे आते थे, फिर उसके बाद उतरेंगे आरसीसी में, फिर लास्ट में जाएंगे स्टील में, बस इतना ही है। इतना अगर आ गया तो मतलब स्ट्रक्चर तो आपके आपके टिप्स पे होगी। और सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉफ्टवेयर तो नॉनटेक वाला भी सीख सकता है, वो तो एक कैलकुलेटर है, उसमें जो डाल दोगे वो कुछ भी इनपुट दोगे वो आउटपुट तो देना ही देना है उसको। करेक्ट। तो अब वो हमें कॉन्सेप्चुअल आना चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे होंगे तभी हमें आएगा ये रिजल्ट सही दे रहा है या गलत दे रहा है, वो हमें रीड करना आना चाहिए। तो जब कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो तभी ये कर पाएंगे आप।
करेक्ट है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम सॉफ्टवेयर के नाम इनको बताओ, क्योंकि ना लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, कि स्टैट सीखूं कि ईटैब सीखूं कि आरसीडीसी सीखूं। तो मैं बोलता हूँ कि सारे ही सीख लो, क्योंकि सब तो स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर ही है ना, और सबके लब लब प्रोसेस तुमने तो सारा सीखा हुआ है, ठीक है, तो तुमको भी पता है कि लोडिंग प्रोसेस सबका सेम है, जी सर बिल्कुल। सिर्फ स्थान बदल जाता है। फिर भी तुम अपने शब्दों में बताओ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर बेसिकली कहाँ से सीखना स्टार्ट करना चाहिए। देखो सबसे पहले अगर मतलब आप स्ट्रक्चर में जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो जैसे खाने के साथ पानी पिया जाता है वैसे ऑटोकैड तो हो ही गया, ठीक है, उसकी जरूरत मतलब हर वक्त पड़ेगी, क्योंकि कभी कुछ मेजर करना हुआ बिना कुछ, जैसे आपको कैड फाइल मिलेगी स्ट्रक्चर के लिए, तो बिना मेजरमेंट के आप उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे, फ्रेमिंग ही नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, तो ऑटोकैड हो गया। दूसरा, अगर इनिशियल लेवल पे हैं तो मेरे हिसाब से आपको स्टैड में आना चाहिए, क्योंकि स्टैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑटोमेशन कम है, उससे आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो आपको मैनुअल सब कुछ कैलकुलेट करके आपको उसमें डेटा इनपुट करना होगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी और अच्छे क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपकी धीरे धीरे मतलब कमांड भी बढ़ती जाएगी सॉफ्टवेयर पे। फिर उसके बाद अगर स्टैड पे अच्छा फोकस हो गया है तो थोड़ा वो डिटेलिंग में भी आना चाहिए, आरसीटीसी वगैरह सीख लो, या और भी अब तो मार्केट में प्लान बिन बहुत सीख लो। प्लान बिन है, ड्राफ्ट बिन है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, तो ड्राफ्ट बिन प्लान बिन वगैरह में आपको ज्यादा कुछ सीखने को नहीं सीन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनमें डायरेक्ट जो भी हमारा डिजाइन डेटा होता है उसी से वो डिटेल कर देता है। अब वो आपको पता ही नहीं कैसे उसने डिटेल कर दिया, तो डिटेलिंग के लिए पहले डिटेलिंग के कोड पढ़िए, जैसे अगर डक्टाइल डिटेलिंग करनी है तो IS 13920 पढ़िए, करेक्ट, अगर SP34। अगर अगर मेन डिटेलिंग करनी है तो SP 34 पढ़िए, बिना उसके तो डिटेलिंग होगी नहीं। अब सॉफ्टवेयर तो निकाल के दे दिया, अब वो सही है गलत है वो हमको एक्चुअल में जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक हम उसको चेक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपको फिर अच्छा कमांड हो गया है कि आपको लगता है हाँ मैं अब अपने से प्रोजेक्ट फिनिश कर सकता हूँ अपने लेवल पे लेके, तो आपको फिर उतरना चाहिए ई टैब में। ई टैब और शेफ, ई टैब और शेफ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मतलब ज्यादातर हाई राइज में ही यूज होते हैं, नीचे भी यूज होते हैं, ऐसा ऐसा नहीं है, वो डिपेंड ऑन कंपनी कैसी कंपनी है। कंपनी अब एक कोई कंपनी है वो चार चार सॉफ्टवेयर लेके तो बैठेगी नहीं, नहीं तो अगर हाई क्लास लेवल की कंपनी है तो वो ई टैब पे ही सारा काम, छोटी भी बिल्डिंग ई टैब पे ही कर देगा, बड़ी बिल्डिंग भी ई टैब पे ही कर देगा। करेक्ट, अगर मिड लेवल की कंपनी है या लोअर क्लास कंपनी है तो वो ज्यादातर स्टैड पे ही करेगा, हाई लेवल की बिल्डिंग भी स्टैड पे ही करेगा, ठीक तो है। ये रहता है। तुमने एक बहुत फिर ई अच्छी टैब चीज, जी एक बार सर इंटरप्ट करूंगा, तुमने बहुत अच्छी चीज बोला कि स्टैट प्रो जो है उसमें ऑटोमेशन कम है, इसलिए उसमें जी सर लर्निंग, ये बहुत बड़ी बात है, उसमें लर्निंग जो है वो ज्यादा मिलती है। रीजनिंग क्या है कि हर तरह के स्ट्रक्चर्स को आप करके देखते हो, जी सर यही चीज ईटैब में देखो तो ईटैब में काफी ज्यादा ऑटोमेशन है, उसमें बहुत ऑटोमेशन है, वेल्यूज वगैरह का कोई ज्यादा और जरूरत नहीं पड़ती। डायनेमिक, अगर डायनेमिक डिजाइन में हम जाएंगे हाँ, तो ई टाइप में हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ बस करना ही नहीं, हमें डायरेक्ट सेलेक्ट कर देना है क्या है हमारा, बस टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करके डाल करेक्ट, दो, और यही अगर डायनेमिक आप जो चीज स्टैंडर्ड आप 10 मिनट में ई टाइप में कर सकते हैं वो आपको 5 घंटे लगेगा स्टैंड में करने में, करेक्ट इनिशियल लेवल पे हम बता रहे हैं। अगर करेक्ट प्रैक्टिस होगी तो बस फिर तो स्टैंड हाँ में स्टैंडर्डेटर में जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं एकदम, करेक्ट, सही बोला तुमने, इनिशियल लेवल पे आपको टाइम लगेगा। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि सुमम एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इनका जस्ट 3 मंथ्स में, ठीक है, मेरे भी कैरियर में इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, जस्ट 3 मंथ में इन्होंने 10,000 का अप्रेजल लिया। मैं कंपनी का नाम नहीं शेयर करना चाहूंगा, सबके लिए कॉन्फिडेंटल होता है, तो आप ये समझिए कि मैंने भी 3 मंथ्स में अप्रेजल लिया था, पर मेरा अप्रेजल बहुत लेस था, मतलब एज कम्पेयर टू शुभम, जस्ट दैट वॉज 5,000, बट इन्होंने 10,000 का अप्रेजल, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ये प्रूव करता है कि एक्चुअली ने इन्होंने 3 महीने में इतने इतना कंपनी को वैल्यू ऐड किया, कंपनी को लगा कि इस इंसान का वैल्यू जो होना चाहिए वो थोड़ा ज़्यादा ही होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, 1 साल के अंदर जितना फास्ट तरीके से किसी ने अगर स्ट्रक्चर्स के अंदर अपने कैरियर को बनाया है, तो मैंने शुभम से अच्छा एग्जाम्पल इस चीज़ में नहीं देखा। ये बात शुभम मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे जैसे 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा अच्छा ग्रोथ अभी तक नहीं देखा था किसी का, और इसके लिए तुम कहीं ना कहीं तुम्हारा मेहनत एक्चुअली है, ठीक है, तुम मेहनत तो है, मेहनत तो है, प्लस इसका सारा श्रेय मैं आपको देना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे सच में बता रहा हूँ, मुझे स्ट्रक्चर का एस भी नहीं आता था, ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ,
लेकिन फिर फिर तुमने बाद मेहनत में किया। जब, हाँ मेहनत की वो बात अलग है, प्लस लेकिन मेहनत की जब कोई बताने वाला हो तब तो मेहनत करें, जब बताने वाला ही नहीं था कोई तो मेहनत किस डायरेक्शन में करें किस सर, डायरेक्शन ये में भी तो करें, होता है, करेक्ट। तो इसका श्रेय तो आपको ही जाता है। ठीक है, अभी हमारा जो गुरुकुल प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा तुमसे इंस्पायर है, तुमको पता नहीं इस चीज़ के बारे में। ठीक है, जी उसमें सर, हमने ये सीखा कि गाइड करने से अगर रास्ता मिल जाता है अच्छा खासा, तो क्यों ना हम गुरुकुल जैसे प्लेटफॉर्म्स को सबके सामने लेके आए। तो तुम गुरुकुल के बारे में जानते हो क्या, क्या जानते हो मुझे अगर बताना चाहो तो बताओ सबके बारे में, और वो क्यों जरूरी है लोगों को, अगर तुमको लगता है तो बिल्कुल शेयर करो अपना एक्सपीरियंस। तो सर गुरुकुल तो आपने मतलब बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे मुझे ये लगता है अगर आप तो देखो पाथ दे रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं, लेकिन मेन बात है उसको फॉलो करने वाला, आपको उस पर चलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चलेंगे बस ऐसे फीस सबमिट करके नॉर्मली क्लासेस ले रहे हैं, अपनी फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे गुरुकुल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा जा रहा है, मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस हो रहे हैं सारे स्टूडेंट, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, और आप मतलब इस लेवल पे बहुत बहुत ऊंचे तक जाएंगे आप, ये तो है। लेकिन देखो अभी हम लोग का क्या है, ये एम क्या है, एम ये है कि लोगों को रास्ता मिले, है ना। मैक्सिमम लोगों को मैंने यही देखा है कि देखो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी है, मेरे अंदर भी एनर्जी है, ठीक है। और क्या जी बोलते सर, हैं, एनर्जी से मुझे एक छोटा सा एग्जाम्पल याद आया। एक हमारे दोस्त है, वो कोच है, ठीक है, वो कोच है, तो उनकी एक क्या बोलते हैं 12-13 साल की बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची है, तो वो उसको क्रिकेट खिलाते हैं, ठीक है। तो उनमें मुझे बहुत अच्छी चीज़ पता है क्या देखने को मिला, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा, मैंने कहा कि आप इसको सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे 6 बजे ले आ देते हैं ग्राउंड पे, 6 बजे से खिलाते हैं, 9-10 बजे तक खिलाते हैं, फिर उसके बाद स्कूल से आने के बाद उसको इवनिंग में खिलाते हैं, मतलब जितना प्रैक्टिस हो सकता है उसको कराते रहते हैं। तो मैंने बोला कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर नहीं करते अपने बच्चों को, तो दोस्त जैसे हमारे वो, तो मैंने बोला इतना टॉर्चर क्यों करते हो अपने बच्चों को। बोले सर टॉर्चर नहीं करता यार, प्रॉब्लम मतलब कि मेन बात क्या है कि ये जो इसकी एज ग्रुप है वो है 12 से 16 के बीच में। इसमें जी ज़्यादातर तो सर, लोग, अगर मैं इसको घर पे रखूँगा तो मैक्स टू मैक्स इसका जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा किस पे होगा, मोबाइल्स पे होगा और रील्स पे होगा, रील्स की क्रिएटिविटी यही सब चीज़ों पर जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग। तो इसका दिमाग उतना फ्री ही ना रहे, इसलिए मैंने इसको स्पोर्ट्स के अंदर डाला, एक डायरेक्शन दे दिया। अब इसको टाइम ही नहीं है, इसका खुद का फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट भी नहीं है, ठीक है। और अगर यही चीज़ सेम एज ग्रुप में दूसरों को देखोगे, तुमको खुद पता है अभी आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, क्या क्या रील बना के आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हो। तो मैंने उनसे बड़ी अच्छी चीज़ सीखी, उन्होंने ये समझाया कि अगर एक पाथ दे दिया बच्चे को तो वो अपने यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। और वो क्या बोलते हैं, अभी नाम तो नहीं शेयर करूँगा यहाँ पर, मैं बता दूँ कि कुछ दिन के बाद जहाँ तक है वो लड़की हम लोग को रणजी में भी खेलने को देखने को मिलेगी, क्योंकि जी बहुत अच्छा सर, खेलती है। तो अब ये चीज़ हमें मिला कि उनको पाथ मिल गया, और यही सही बात यही है कि ये पाथ हम लोग को अपने स्कूल कॉलेज के टाइम पर इतना अच्छा नहीं मिल पाया, जो भी मिला हम लोगों ने किया, ऐसा नहीं बोलेंगे, ब्लेम नहीं करेंगे किसी को, लेकिन उतना अच्छा नहीं मिला जितना अच्छा उन बच्चों को मिल रहा है जिनको रणजी पता है। हमने तो इंजीनियरिंग जब आए तो इंजीनियरिंग में पता चला रणजी नाम का क्या चीज़ होता है, सच्चाई जी यही है, सर, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक बहुत छोटे छोटे सिटी से आते हैं, गाँव से आते हैं, तो वहाँ रणजी और ये स्टेट लेवल ये सब तो मतलब सुनने को ही नहीं मिलता है, और इंटरनेशनल और नेशनल तो बहुत बड़ी बात है। तो गुरुकुल का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि लोगों को सही डायरेक्शन में गाइड कर दिया जाए क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो तुमको ही पता है कि सोम को अगर पढ़ने लोगों को पूरा नहीं पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। लेकिन सोम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आरसीसी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उनकी लिस्ट बना लो जो यूज में आने वाला है, तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट था गुरुकुल का, और क्या बोलते हैं, आई थिंक तुम भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि सिविल के अंदर बहुत ढेर सारा कंटेंट कॉलेज में ऐसा है जिसको इंडस्ट्री में हम यूज ही नहीं कर रहे और ज़रूरत भी नहीं पड़ रही उनकी, हाँ, अब चेंज करने का टाइम है, बट टाइम क्या चल रहा करें, है। अब हाँ, पॉलिसी ऐसी है, नहीं चेंज हो पॉलिसीज पा ऐसी रही। है, ठीक है। लेकिन मान लो कि वो नहीं चेंज कर रहे हैं, पर क्या हमें तो समझ में आ रहा है ना कि ये चीज़ अगर चेंज कर दिया, या फिर चेंज नहीं, चलो उसको पढ़ लेंगे, पर ये चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ लिया जाए वही तो ऐसा, है, जो लोग जिसको समझ में आ जाता है जो वो कर लेता है वही आगे निकल जाता है। करेक्ट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इंजीनियर के करियर बहुत अच्छे से बना सकते हो। शुभम क्या बोलते हैं, इसके लिए ग्रेट एग्जांपल है। तो शुभम का कभी यही करना है कि ऑटोकैड, स्टैट प्रो और ईटैब्स और सेफ राइट और आरसीजीसी वगैरह बिल्कुल सीख ले, सर, तो फिर क्या बोलते बिल्कुल हैं बेहतर रहेगा। प्लस कॉन्सेप्ट तो भाई बहुत बड़ी लिस्ट है, तुम खुद एग्री करोगे कि क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम भी तुमने डिस्कस किया था विंड एनालिसिस, सेस्मिक एनालिसिस, ये सब काफ़ी जी इंपॉर्टेंट सर, टॉपिक्स है इसके लिए ना, ठीक बिना है। उसके तो अब आप कर ही नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है, अभी कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर मैं आईटी में चला जाऊँ क्या,
ठीक है, उनको मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये गैप उनको समझ नहीं आता कि करियर बनाना कैसे है, तो ज़्यादातर वो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आईटी की तरफ जो नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा देखते हैं कि मार्केटिंग कितनी होती है, और जी कई लोग सर, स्विच भी करके फिर बाद में मुझे फ़ोन करते हैं, सर मैंने स्विच कर लिया और मुझे मज़ा नहीं आया। तुम्हारे इस पर क्या व्यू है? मेरा भी ये है सर। देखिए, पहली बात तो आईटी में जाने का मतलब कैसे लोग हिम्मत कर लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जिस चीज से पढ़ के, अब जो बंदा 4 साल कंप्यूटर साइंस में अपना दिया है, वो जो काम करेगा सर वहां पे बैठ के, और आप मतलब 4 साल सिविल से सपोज बीटेक किए हैं, उसके बाद आप 6 महीने में कुछ भी डेटा साइंस वगैरह कुछ भी कोर्स सीख लेते हैं, उसके बाद आप जाएंगे काम करेंगे। अब जो जो बंदा 4 साल उसी फील्ड में मेहनत किया है, उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी या आपको मिलेगी? ठीक है, और प्लस आप वहां पे बैठ के फिर बस डेटा एंट्री का काम करेंगे, शुरुआत में आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये है, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्चुअल यूज होगा, डीप एनालिसिस जहां पे होगी, वहां पे उनको ही बुलाया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा वहां पे, सही आपकी बात है, कोई वैल्यू नहीं है वहां पे। करेक्ट है। और मैं भी अब वही बोलता हूँ, शुरुआत हाँ बोलो बोलो बोलो। शुरुआत के पैसे के लालच में चले जाते हैं। शुरुआत शुरुआत में इनको दिखता है कि हाँ भाई अच्छा पैसा मिल रहा है, 50,000 स्टार्टिंग हो रही है, 50,000 इसमें भी हो जाएगी 1 साल में, करो तो मेहनत तो करो तो सर, करो, हाँ। मेहनत मेहनत करना नहीं चाहते, ऐसे ही मिल जाए, कैसे मिल जाएगा सर? अच्छा मैं यही चीज बोलता हूँ लोगों को कि तुम अगर उतने की वैल्यू ऐड कर दो कंपनी को बिल्कुल। तो कंपनी तुमको देगी ही देगी, ठीक है। अब और मेरा मेरा 40% इंक्रीमेंट हुआ, हाँ और मुझे 3 महीने के अंदर हुआ, वो भी मुझे बिना बताए, मेरे अकाउंट में जब क्रेडिट हुआ, मुझे लगा धोखे से ज्यादा तो नहीं आ गया, तो मैं नीचे कंफर्म करने गया सर एचआर से। मैंने कहा मैम क्या मेरा सैलरी बढ़ी है? तो उन्होंने कहा हाँ, डायरेक्टर ने डायरेक्ट बोला था आपका सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए, वो भी डायरेक्ट 40% इंक्रीज हुआ। क्यों और सर हुआ? बताओ ना क्योंकि मैंने तुम उस लेवल का काम उनको करके दिया, उन्होंने अपने खुद से एनालिसिस कर ली कि जिस लेवल का ये काम कर रहा है बंदा, उसको उतना पे नहीं हो रहा है, तो करेक्ट उन्होंने है। इंक्रीमेंट किया। और बहुत से लोग तो करेंगे सर? बिलीव ही नहीं करेंगे, बहुत से लोग लोगों को लगेगा नहीं करेंगे, कि इतना प्रेजल नहीं हो सकता, बट होता है सही ये, बात फिक्स है। जब कंपनी को देखो यार, पता है क्या होता है सोम, कि जैसे मैं भी तो एंटरप्रेन्योर हूँ, तो हमें ना कोई कोई एम्प्लॉय पे इतना ट्रस्ट हो जाता है उनकी क्वालिटी पे, हमें लगता है कि अभी मैं बताऊँ, लास्ट टाइम एक क्या बोलते हैं लड़की थी, उसका हम अपने टीम में ही हुई है, तो उसका एक जगह पे सिलेक्शन हुआ और वो जगह जी पे जो सर। सैलरी का हाइक था वो 30% था। उसने मुझे कॉल किया कि क्या बोलते हैं सर, मेरा वही हो चुका है और आई वॉन्ट टू स्विच, ठीक है। तो मैंने बोला क्या सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला ये एक्स वाई जेड सैलरी है और क्या बोलते हैं मैं स्विच करना। मैंने बोला यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, देखो एज ए इंटरप्रीनियर मैं क्या सोच रहा हूँ, बड़ा गड़बड़ हो जी जाएगा, सर, इसके जैसा ट्रस्ट मुझे नहीं मिलेगा सब में। तो मैंने उसको बोला कि चलो तुम इसी को कंटिन्यू करो, 30% मैं देता हूँ, ठीक है। मुझे क्यों देना पड़ा उसको, क्योंकि उसने ट्रस्ट और अपने वर्क से खुद को प्रूव किया था। मैंने उसको 30% बिल्कुल उसी टाइम पर हाइक दे दिया। मैंने कहा अगर छोड़ के जाएगी दूसरे को, मुझे ट्रेन करने में टाइम लॉस करना पड़ेगा और ये ट्रस्ट पता नहीं मैं अचीव कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये एम्प्लॉय की वैल्यू होती है, बिल्कुल सर, और वही बिल्कुल तुमने दिखाया उनको, तो इसके वजह से उनको हैप्पीनेस लगा उस चीज में। करना भी चाहिए। देखो सर, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या है, कंपनीज में बड़ी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, बहुत ज्यादा ठीक है। अब उसमें क्या है, अगर आप ज्यादा टाइम तक काम करना चाहते भी हैं, आपको जैसे मुझे क्या है, मुझे तो मतलब बहुत मजा आता है काम करने में, मुझे ऐसा नहीं कि मैं किसी का बोझ हो रहा हूँ या ये है वो है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ काम में बैठ के, करेक्ट, मुझे पता नहीं लगता कब दिन और रात बीत जाती। 36 36 घंटे मैंने लगातार काम किया है सर कंपनी के अंदर बैठ के, मुझे पता ही नहीं चलता कब क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, बस काम से काम है क्योंकि तुम्हें सीधा। पसंद है, मेन ये हाँ होता अच्छा है। लगता है। अब मुझ पे कहते हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि क्यों इतनी देर तक काम करते रहते हो, हम भी हैं, टाइम से आते हैं टाइम से चले जाते हैं, तुम जितना काम करोगे उतने तुम्हें ये लोग यूज करेंगे, ये ऐसी ऐसी बातें, मतलब अब हम फिर सोचते हैं यार इन लोगों की कैसी मेंटेलिटी मेंटेलिटी है है, भाई, कोई बंदा आपको पैसे भी दे रहा है, सिखा भी रहा है, अब जब तुम टाइम नहीं दोगे तो कैसे सीख पाओगे? सही बात और जितनी जल्दी हम सीख जाएंगे हमारे लिए तो अच्छा है सर। है। मुझे भी ऐसे कंपनी में लोग बोलते थे कि तुम इतने ढेर सारी टेक्नोलॉजी क्यों एक यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हो, सैलरी तुम्हारी उतनी ही रहेगी, ठीक है। बिल्कुल तो मतलब कि जो मेरे सीनियर्स थे और मेरी जो सैलरी थी, जैसे तुम्हारे भी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही है कि हमारा सैलरी उनका सैलरी लगभग बराबर रहता था, ठीक है। मतलब मैं एज ए जूनियर उनके बराबर लेता था, तो लोग बोलते थे कि इससे ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं, काहे को इतना ज़्यादा मगजमारी करने के, जितनी सैलरी मिले उतना काम करके निकलो यहाँ से ही, ठीक है। सही बात तो मोटिवेट है। करते थे हमको। तो फिर मैंने लगभग 6 महीने उनके इंस्पिरेशन में आया भी मैं, ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन 6 महीने बाद देखा कि क्या बोलते हैं उनका ग्रोथ और मेरे ग्रोथ में काफ़ी डिफरेंस था।
ठीक है, मतलब मेरा ग्रोथ और ऑलरेडी मैं सीख रहा था पर मैं कंपनी में परफॉर्म कम कर रहा था ये सब रीजन से। फिर मुझे लगा यार गलत है ये चीज़, क्योंकि मेरा एज और इनके एज में काफ़ी डिफरेंस है, और जब मैं इनके बराबर हूँ अगर मैं खुद और एक्सप्लोर किया तो यू कांट बिलीव, जब मैंने खुद को एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिया तो कंपनी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, दो चार और कंपनियों में सेलेक्शन मिला, और क्या बोलते हैं एक टाइम मेरा भी ऐसा था कि उसमें भी .10,000 का अप्रेजल वहाँ पर हुआ था। तो जब मेरे 10,000 का अप्रेजल हुआ तो सेम जो एक्चुअली बहुत छोटी चीज़ें हैं एक तरीके से इंसान के माइंड के हिसाब से देखा जाए तो, पर लोगों को जेलस होने लगता है ठीक है, और हाँ उसके ये तो बात बाद मुझे बहुत जेलस का सामना करना पड़ा ठीक है। उन गधों को जो गधे मुझे बोलते थे कि इतना काहे काम करने पड़े हो, लेकिन अब उनको समझ में आया कि यार ये 10,000 और उन लोगों का 2,500 रुपये का आसपास अप्रेजल हुआ, तो काफ़ी डिफरेंस हुआ ये चीज़ से ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ भी ऐसा है, लोग बोलते रहते हैं कि इंक्रीमेंट के लिए तो हाँ उनका बस मैक्सिमम 5% 10% दस ऐसे परसेंट इंक्रीमेंट होता है। हाँ सही बात है, तुमने बोला कि क्या बोलते हैं इस चीज पे बहुत अच्छा। तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है, अभी तुम क्या नया सीख रहे हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सुबह। अभी तो सर एक तो हाई राइज तो सारा सीख गया हूँ, वेरी गुड अब मैं डिटेलिंग भी मतलब करने लगा हूँ। ऐसा नहीं है, पहले पिछली बार जब पॉडकास्ट हुआ था तो डिटेलिंग हाँ नहीं आती थी, हाँ इस बार डिटेलिंग भी आ गई है। करेक्ट और पिछली बार हाई राइज नहीं किए थे, इस बार हाई राइज अब हाइज मैं में कर, G+ 50 तक इजीली कर सकता अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हूँ। तो अभी तुम्हारा और कॉन्फिडेंस आ ही चुका है लगभग पूरा तरीके से। हाँ, और प्लस क्या है, अच्छी कंपनी में ये सबसे ज्यादा होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आते हैं तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनके रिवर्स कमेंट आते हैं। तो रिवर्स रिवर्स कमेंट से अब हमारा क्या है, जो भी कमेंट आते हैं हमने उनके कमेंट फुलफिल करके तो हम सेंड कर ही देते हैं, प्लस वो अपने पास भी रखते हैं। हम एक लिस्ट बना लेते हैं कि जब फिर दोबारा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई भी मॉडल बनाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं कि उसमें जो गलती हमसे होके गई थी वो ना होके जाए। करेक्ट तो ये मैं हर मॉडल में करता जाता हूँ। और इस टाइम मेरे पास मतलब रेलवे स्टेशन के काफी प्रोजेक्ट हैं, 3 प्रोजेक्ट केवल मेरे ही नाम पे हैं रेलवे ओ स्टेशन के। एक अभी 2 महीने रेलवे स्टेशन लगा, ऑलरेडी फिनिश भी कर दिए हैं, एक चल रहा है। ओके, रेलवे और स्टेशन में बाकी बिल्डिंग का है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ये रेलवे के डिजाइन में क्या नहीं, ठीक रेलवे स्टेशन बिल्डिंग, असल हाँ में जो बिल्डिंग है वो मॉडिफिकेशन हो रही है, कहीं कहीं पे बिल्डिंग कम थी, कहीं कहीं पे नहीं अच्छा थी, तो अब नई नई बिल्डिंग बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। और अभी तो एक उसमें थी जिसमें शायद सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन या ऐसे, हाँ सिकंदराबाद में, तो उसमें दो सिकंदराबाद सौ तो मीटर से अपने घर के ज्यादा साइड ही है, नहीं, सर ये हैदराबाद में पड़ता है सिकंदराबाद। एक एक वहां पर भी है इलाहाबाद के पास में, ये अयोध्या के हाँ पास में। एक उधर उधर भी होगा, ये उधर साउथ का प्रोजेक्ट है। ओके तो इसमें मतलब मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, बहुत मल्टी लेवल कार पार्किंग वगैरह नई ऐड हुई इसमें, प्लस नीचे से सारा पूरा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ नई बिल्डिंग के फाउंडेशन कभी ओवरलैप ना कर जाए, उनको हम हाँ किस किन किन बातों का ध्यान रखते हुए उनको हम डिजाइन करेंगे, ये करेक्ट चीजें सीखने को मिली। सोरिंग पाइल वगैरह कैसे यूज करेंगे, ये सब सीखने को मिला। मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा तक सीखने को लर्निंग मिलता है, सही मिलता बात है। है, अच्छी कंपनी में रहने का यही बेनिफिट है। मुझे और लगता है प्लस कि हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ नया मिल जाता होगा। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जब मैं कंपनी में गया था तो मुझे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिली थी, उसमें लगभग 38 बिल्डिंग थी, तो वो सारी बिल्डिंग मैंने डिजाइन की, मतलब और भी लोग थे लेकिन हाँ उसका प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर मुझे ही बनाया गया था, ग्रेट तो ज्यादातर मैंने 60-70% काम मैंने किया था उसमें, तो वो मेरी अप्रूव हो गई IIT से, पूरा प्रूफ चेक ओके हो गई। और अब रेलवे स्टेशन भी हो ही गया लगभग, प्लस मैंने ग्रुप हाउसिंग के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो G+36 के 6 टॉवर थे वो करेक्ट किए, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, मुझे खुद नहीं याद रहा सर मैंने कितने प्रोजेक्ट किए। नहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटल डाटा मत सीक्रेट करो, क्योंकि मैं कुछ तुम्हारे जॉब को मैं देखो मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो तुम्हारा जॉब भी बिल्कुल वैसे रहना चाहिए। तो कुल मिला के देखो ये तुमने मैं भी एक्चुअली यही चीज़ देख रहा था कि जितने नए प्रोजेक्ट हमको लगता था अब सीख चुके हैं, फिर जब नया प्रोजेक्ट आता है फिर लगता है ये तो आता ही नहीं, फिर उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये तो कंटिन्यू मुझे लगता है जब तक 3-4 साल खुद को रगड़ोगे नहीं तब तक तो लगेगा ही कुछ ना कुछ नया मिलता रहे। और एक चीज़ और है कि सुबह में बिल्कुल अभी क्या बोलते हैं तुमने भी चीज़ फेस किया होगा, लोग क्या करते हैं ना, लोग स्टार्टिंग में या फिर कंटिन्यू जॉब बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं,
ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तो मिनिमम आपको एक कंपनी में स्टे करना ही चाहिए। इसमें तुम्हारा क्या व्यू बिल्कुल। है? मेरा अभी ये है, देखो मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सर स्टार्टिंग में गया था टॉवर्स में, तो टॉवर में मेरा कोई दूर दूर तक कोई मेरा मतलब हाँ वो उसमें तो था ही मन नहीं नहीं, लगता था काम इंटरेस्ट करने ही में, नहीं था वो तो। इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट था टॉवर में। मैंने किया थोड़ा बहुत लेकिन वो मजा नहीं आ रहा था टॉवर में। फिर मैंने स्विच किया एक जगह, तो वहां पे बिल्डिंग का था, वहां पे भी ऐसा कुछ खास नहीं था बिल्डिंग का, थोड़ा थोड़ा था। फिर उसके बाद अब मैं जिस कंपनी में आया हूँ वहां पे मतलब वो NCR की बेस्ट लेवल की कंपनी है RCC में, और बहुत मतलब सारे जितने भी मेन प्रोजेक्ट आते हैं वो सब यहीं पे आते हैं, तो यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है मुझे, काम करने में भी अच्छा लग रहा है। और वही बात है, जहाँ पे इंटरेस्ट हो वहाँ पे जाना इंटरेस्ट चाहिए, होना सही और बात। अब मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम 2, 3, 4, 5 साल जब तक मेरा मन लगे तब तक मैं यहाँ रहूंगा, लर्निंग मुझे कोई जब तक लर्निंग मिले छोड़ने का मन ही नहीं है मेरा यहाँ पे नहीं, ऐसा है लर्निंग जब तक अभी। मिले तब तक हाँ लर्निंग का बड़ा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल और देखो मुझे एक चीज याद आ रहा है कि तुम क्या बोलते हैं, एज ए साइट इंजीनियर जहां पर वर्क कर रहे थे लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस किए थे, तो तुम देखो टावर में तुमने बोला ना कि सर टावर में जाए कि ना जाए, तो मैंने बोला टावर जी मेन सर। नहीं है, मेन है कि तुम एनसीआर या फिर ऐसे जगह पर आ जाओ जहां पर कंपनीज हैं, तब तो नेटवर्क हाँ मिलता है। लोग क्या करते हैं, जैसे कभी मैं खुद भी इलाहाबाद से हूँ, तुम खुद भी बहुत, हम लोग बहुत छोटे सिटीज से हैं, तो मुझे लगता है बिल्कुल कि कई कई लोग ना सोचते हैं कि मेरे को एक बड़ा सा ऑफर आएगा तब हम जाएंगे मूव करेंगे पुणे में या फिर बैंगलोर में या फिर ऐसे ऐसे जगहों पर। मैं क्या बोलता हूँ, पहले आ जाओ, कैसे एक आध जॉब लेके, जो भी जॉब मिलती है जैसे तुमने किया आगे स्टे किया, फिर दिखने लगा अच्छा यहाँ पर ओपनिंग चल रही है यहाँ पर, तो वहाँ क्या है कि वो ऐसा हब है कि वहाँ पर मार्केट है हाँ, ना। इसको मैं ऐसे देखता हूँ, हाँ जैसे सपोज आप सिविल इंडस्ट्री में हैं कि करेक्ट। आप एक ही सिविल की भी एक डायरेक्शन चुन लो, स्ट्रक्चर में हैं, तो स्ट्रक्चर में जब आप जॉब में आएंगे तो आपके साथ जो भी इन्वायरमेंट रहेगा वो पूरा स्ट्रक्चर का ही रहेगा, अब वहीं से आपके लिंक बन जाएंगे। अगर इन फ्यूचर आपको कभी दूसरी कंपनी में स्विच करना हुआ तो आपके सीनियर जूनियर वो सब स्ट्रक्चर के ही रहेंगे, वो लाइन और बन इधर जाएगी। क्या है, इधर क्या है, आप सिविल के हैं, आपके साथ आईटी वाला भी जुड़ा है, आपके साथ बीकॉम वाला भी जुड़ा है, आपके साथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब जुड़े हैं, जुड़े हुए अब हैं, कोई अपनी राय दे रहा है कोई अपनी राय दे राय दे रहे, रहा, आप उसे में कंफ्यूज हो हम क्या करें, तो करेक्ट कम से कम एक इन्वा पहले उस इन्वायरमेंट में आओ, भले वो छोटा इन्वायरमेंट हो, एक बार इन्वायरमेंट में आ जाओ फिर तो ढल ही जाएंगे ढली इन्वायरमेंट में। जाएंगे। इन्वायरमेंट से मुझे याद है, मैं इस चीज़ को कैसे, तुम अच्छे वर्ड में तुमने यूज किए, मैं बोलता था, कई लोग ऐसे बोलते थे सर मुझे 12,000 की जॉब मिल रही, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं इनको कैसे अपने लैंग्वेज में बताता था, शायद तुमको भी साथ बताओ, मैंने बोला कि स्टेडियम के अंदर तो पहले आ जाओ, ठीक है सही बात है ठीक है, स्टेडियम के अंदर आ गए तुम कॉर्नर पे फील्डिंग कर रहे हो ना, एक दिन आएगा तब तो तुम बैटिंग के पास आओगे, विकेट कीपिंग भी करोगे, बॉलिंग बिल्कुल भी करोगे, बिल्कुल। और ठीक है, और जो लोग बारह स्टेडियम हजार में जी सर, इसमें बोलो बोलो 12,000 इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं इम्पोर्टेंट ये है आप उसमें आ गए, आ गए एक बार उस इन्वायरमेंट में आप इंटर कर गए, बस वही करेक्ट। इम्पोर्टेंट है। और आदमी शुरुआत में पैसे देखता है, अरे इतने पैसे मिले क्या है ये है वो है, हम पे भी लोग कहते थे इतने पैसे, अरे इतने पैसे में क्या ही होता है, इतना तो एक इससे ज्यादा लेबर कमा लेती है, लेबर कमा अरे लेता है। भाई लेबर कमा लेती है आप वो भी तो देखो, लेबर जिंदगी भर उतनी ही कमाएगी, वो नहीं देखते हैं। और हम तो अभी 6 महीने में यहाँ पे हैं, 6 महीने में हम कहाँ पे होंगे हमें खुद कहाँ पे नहीं होंगे, पता, ठीक सही बात है। नहीं ये नहीं देखता ये। मैं खुद भी जब मैंने अपनी जॉब की स्टार्टिंग की तो मैंने बहुत लेस सैलरी से स्टार्ट किया, तो मेरे भी जो नेवर्स होते थे तो नेवर्स ने बोला कि यार क्या बोलते हैं तुम इतना दूर जाके, मैं चंडीगढ़ में जॉब करता, तुम इतना दूर जॉब जाके ये इतना एक्स अमाउंट, उसे एक्स क्या सीधे सीधे बोलता हूँ, 12,000 रुपये का सैलरी तुम लेते हो जी और सर हम घर पे रह के ही, मतलब अपने आसपास ही रह के ही हम लोग 20,000 22,000 रुपये कमा लेते हैं। तो मुझे भी एक टाइम पे ऐसा लगा, फिर मुझे लगा कि नहीं यार अपन कुछ सही कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद जब वो समय कन्वर्ट हुआ, जब हम लोग 32 35 40 के रेंज में खेलने लगे, तब भी वो लोग का जो सेल, मतलब वो लोग जो आपस में डिस्कशन करने वाले लोग थे, वो लोग उसी 22 25 22 25 के रेंज में ही आप ही अपना पल्ला झाड़ रहे थे। तो हमें ये समझ आया कि इनका लर्निंग तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्स्टेंट हो चुके, अपन लंबा जाएंगे। और बिलीव नहीं बस करोगे आज भी उनका रेंज जो है यही 22 25 22 25 रह गया। ठीक, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, बट एक स्टोरी है जो हमको सीखना चाहिए, और अपन उससे कई मल्टीपल्स में चले गए, ये बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग जो हम लोग को मिलती है एज इंजीनियर, हमारा ग्रोथ कांस्टेंट है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा पहले तुमसे, फिर तुम अपना जो भी क्वेश्चन पूछना, कि एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर का अगर कैरियर बनाना हो
तो क्या क्या चीजों का विशेष ध्यान तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जिससे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी सीखने को मिल जाए कि हाँ यार ये चीज करने पर सक्सेसफुल स्ट्रक्चर ये बन सकते हैं, तो वो तुम शेयर करो एक कर सकते हो तो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। देखिए सर, सबसे पहले तो कॉलेज लेवल पे अगर स्ट्रक्चर में जाना है तो सबसे पहले अपना जो भी कॉन्सेप्चुअल है, जो भी आपको किताबी ज्ञान है, वो सब अपना स्ट्रॉन्ग करो। फिर उसके बाद अगर फिर मतलब आप कॉलेज लेवल पे ही तो रहोगे नहीं, जॉब में आओगे फिर इंडस्ट्री लेवल में आ जाओगे। इंडस्ट्री लेवल में एंट्री तभी मिलेगी जब आप सॉफ्टवेयर स्किल होगी आपके अंदर। केवल कॉन्सेप्ट से उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो आपको बिठा के सारा सॉफ्टवेयर सिखाएं। तो अगर एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है तो आपको कॉन्सेप्ट प्लस सॉफ्टवेयर और प्लस आपको मतलब फास्ट कैप्चरिंग आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आप कैप्चर कर सको। सॉफ्टवेयर आप सीखे होंगे, अब वहां पे कुछ थोड़े थोड़े बहुत होंगे इधर उधर के कमांड वगैरह, जो भी आपको मतलब या तो आप मिस कर गए हैं यहाँ पे सीखने में, या वहां पे कुछ कुछ देखो हर कंपनी में थोड़ा अलग अलग डिफरेंट सिस्टम होता है अपना अपना काम करने का। तो वहां पे वो अगर आप कैप्चरिंग पावर अच्छी है तो वहां पे यूज आपको मतलब बहुत सहायता मिलेगी काम करने में, सीखने में। और जितनी जल्दी आप सीख जाएंगे, मतलब कंपनी आप ये नहीं चाहती है कि वो बैठ के आपको सिखाएं, कंपनी सीधा चाहती है हम आपको पे कर रहे हैं, आप हमें काम करके दो, किसी भी तरीके से करके दो, बस काम करके दो, बस खत्म। कंपनी के साथ इतना रिलेशन होता है हमारा, और कोई मतलब नहीं होता है। कौन से हमारे वो रिश्तेदार हैं, कौन से वो आपके सही रिश्तेदार हैं, वो कुछ सही नहीं, वो कुछ नहीं समझते हैं। बिजनेस में ये कुछ चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, चलना भी नहीं चाहिए सर। सही बात है। प्रोफेशनल बनना पड़ता है, पर इसी को तो बोलते हैं ना प्रोफेशनल, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज, अभी मैं एक चीज देखता हूँ कि कई लड़के ना मुझे व्हाट्सएप पे बोलते हैं, सर वो आप गुरुकुल में 100% जॉब प्लेसमेंट देते हैं क्या? तो अब ये क्या होता है कि कई ढेर सारे मार्केटिंग के लोग, तुमको तो पता ही है कि बड़े बड़े ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स ले रहे हैं मार्केट में ना, तो उनके पास क्या होता है ना, बड़े बड़े मार्केटिंग वाले लड़के होते हैं जो एमबीए वगैरह, अब वो अपने उनके टारगेट्स होते हैं कि भाई इतने लाख का रिटर्न लेके आओगे तब तुम्हें सैलरी मिलेगी। तो ऐसे ऐसे फेक प्रॉमिस करके लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं कि क्या बोलते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट। मैं बोलता हूँ कि जॉब प्लेसमेंट मैं या फिर शुभम भी नहीं दिला सकते, दिलाएगा कौन? आपका नॉलेज, बिल्कुल ठीक है। अगर बिल्कुल, कोई ये इस तरीके सब झांसा दे रहा है तो थोड़ा सा उनको समझना चाहिए। तुम कैसे देखते हो इस चीज को? बिल्कुल, मेरे पास भी बहुत कॉल आते थे कि सर आप आपकी मतलब प्लेसमेंट हो जाएगी, या अभी कई कई ऐसे कॉल आते थे कि आपका प्लेसमेंट हो चुका है, बस आपको ये चीज सीखने की जरूरत है। और अब जरूरत है ठीक है, तो हमने कहा ठीक है आप बताइए कैसे सीखेंगे, आप इतना पे कर दीजिए हम आपको सिखा देंगे। अरे भाई, हम मतलब अगर हम वो सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको, आप कह दिए कि आपकी जॉब लग चुकी है, जब हम वो सीखना ही नहीं चाहते तो हमारी जॉब कैसे लग गई। तो ये चीज मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा और अलग मतलब अलग इधर उधर। तरीके से अगर तुम हाँ देखोगे ना सुबह, तो मतलब कैसे मेरे तो लोगों से इंटरेक्शन होता रहता है, तो लोग बताते हैं आज इस तरीके से, मुझे लगता है अच्छा ये नया पैटर्न इन लोगों ने लॉन्च किया है। फिर कभी एक एक दो पैटर्न तो ऐसे रहा, ये पैटर्न से मुझे याद आया, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, एग्रीमेंट में ये लिखा रहेगा कि आपको 100% जॉब, और ये कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हारी कंपनी तभी तुमको लेगी जब तुम वैल्यू ऐड करोगे, स्वाभाविक नहीं सी बात हंड्रेड है। हाँ नहीं सर, वो उनका भी कहना सही है, वो 100% जॉब दिला देंगे, लेकिन वही जॉब दिला देंगे साइड पे खड़े होकर क्यूरिंग करोगे। और जॉब तो उसको वो दिला हिंदी देंगे। हाँ में बोलोगे तो फिर बड़ा बुरा लग जाएगा, क्यूरिंग को पानी फिर डालोगे। बिगड़ेगा बिल्कुल। तो क्यूरिंग मतलब पानी तो डालो, सही बात ना। और उसमें भी पता है क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं, किसी के इस तरीके के फेक प्रोमिसेस पर नहीं जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं 10 लाख का पैकेज। अरे यार जितने का वैल्यू ऐड करो उतना कंपनी पे करेगी, सीधी सीधी बात है। बिल्कुल और ये तुम्हारा बिल्कुल वाला तो नया कॉन्सेप्ट था कि क्या बोलते हैं, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, हम सिर्फ ट्रेंड करके भेज देंगे। हाँ, एक दो बार ऐसे कॉल आए हमारे पास। तो उनसे पूछना था कि आपके रिश्तेदार की कंपनी है क्या? कि क्या बोलते हैं, एक्चुअली एक ऐसी कंपनी थी, तो क्या बोलते हैं, नाम नहीं ले रहे, बट उसमें ऐसा था कि नागपुर की कोई कंपनी थी, वो ऐसे उस कंपनी क्या था, एक इंस्टीट्यूट था, तो उसमें शायद मार्केटिंग वाला कोई ऐसा पिच किया था कि हमारी खुद की कंपनी है, आप बस सीखो और हमारी कंपनी में लग जाओ, और क्या बोलते हैं, कुछ 1.5 के आसपास का जीएसटी के अलग से, मतलब इतना फी था उसका। तो वो एक लड़का मुझे बोलता है सर मैं करूँ कि ना करूँ? मैंने लोगों तुमने क्या किया, तो उसने बोला सर बीटेक किया। मैंने कहा इतना अकल नहीं आया कि एक कंपनी को कितने लड़के चाहिए 1 महीने में? अरे क्या सब छोड़ के हर महीने चले जाएंगे? बहुत लगेगा, 20 इंप्लॉय लगेंगे, 25 इंप्लॉय लगेंगे।
और जब वो पिच कर रहे हैं कि हमारे कंपनी में ही लगना है, तो मुझे लगता है इंडिया में बहुत से लड़के हैं जो 1-1.5 लाख रुपए देके उनके कंपनी में प्लेस हो जाएंगे, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी में, तुम्हारे ही कंपनी में, तुम्हारी कंपनी से बड़ी कंपनी की कोई एग्जाम्पल नहीं है ना। लेकिन बहुत चेंज हो, रिजाइन डालते होंगे मैक्सिमम 20 लोग, ये भी बहुत ज्यादा ही नंबर में बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 20 स्ट्रक्चर इंजीनियर डालेगा रिजाइन। तो कहाँ से नया ओपनिंग्स हर महीने 20-25 आ जाएगा, हर महीने आएगा 10 एम्प्लॉई का आएगा, है ना, ठीक बिल्कुल है। सर, बिल्कुल। तो और वैसे भी अच्छी कंपनी को तो जल्दी कोई छोड़ता भी नहीं है, ये भी फिक्स हाँ, है, इतनी इतनी जल्दी कोई नहीं छोड़ता कोई है, नहीं ये छोड़ता है। तो तो फिर है। उसको मैं बोला कि इतना तो तुम्हारा अपना दिमाग होना चाहिए कि इतना एक्स अमाउंट जो तुमसे कोई ले रहा है और वो अपनी कंपनी में कितने लोगों को भर्ती कर पाएगा, मेरे यहाँ है पे ना। ऐसे ऐसे लोग हैं अभी जो तीस हाँ, तीस साल से इसी कंपनी में हैं, 30 ईयर से। अब सोच लो, तो अभी से ये सीखने को मिलता है कि जो अच्छी कंपनी है उसमें बहुत से एम्प्लॉयज, क्या अच्छा क्या होता है ना, कंपनी भी उनका केयर टेकिंग करने लगती है अच्छे हाँ तरीके से बिल्कुल वो भी। बिल्कुल। और मैं अभी कई लोगों को ऐसे देख रहा था कि ऐसी कंपनियां हैं जहाँ पर लोग काफी लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, फिर जब मैं उनके पीछे जाता हूँ तो पता चलता है कि मैं कुछ एक दो कंपनियां हैं, जैसे मैं भारत फोर्ज का एग्जाम्पल लेता हूँ, उनका पूरा का पूरा स्कीम ही एक तरीके से जैसे गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है। मतलब सही तरीके से आप एबीपी है और कंपनी में इतने साल का एम बी इतना अप्रेजल, और आपका रिटायरमेंट के बाद ये पीएफ अमाउंट, तरह तरह की चीजें हैं। तो मैंने सोचा कि देखो ये कंपनी इम्प्लॉय के बारे में इतना सोच नहीं है, इसलिए इम्प्लॉय भी इतने लॉयल होके काम भी कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल तो ये चीज काफी देखने मिलता है। तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि मार्केट के जो खासतौर से ये जो है, मुझे समझ नहीं आता है कि एमबीए वाले को इस तरीके से करवाते क्यों लोग, फिलहाल उनका क्या करें, उनको पेट पालना है बेचारों को, तो उनकी भी गलती नहीं है। लेकिन वो फिर वो फोन पे इतना ज्यादा वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, फेंक देते हैं कि उससे थोड़ा सा लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो जाता देखो, है ना। मैं इस बारे में भी कुछ मतलब यही कहना चाहूंगा कि ये सब बवंडर है, इसमें फंसो ना, तो वही अच्छा है। क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए अगर कोई ले रहा है तो समझ लो बीटेक की 1 साल की फीस है। ये और बवंडर है। जो चीज आप 3 महीने में 4 महीने में सीख जाओगे, और 1.5 साल आप बीटेक लेवल पे देते थे, वो तो चलो वो भी कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन वो तो उनका चलो वो ऐसी अलग पॉलिसी चीज है है, कॉलेज का, वो तो अलग ही चीज होगी, वो तो आपको पिक करनी करनी है। करनी लेकिन जब वही चीज उससे अच्छा कंटेंट आपको 4-5 हज़ार में अवेलेबल है, तो तो क्यों आप वो क्यों इतना 1.5 लाख जाना। में जा रहे हो, और आज के टाइम ये में नहीं तो मुझे समझ लगता है कि आता। YouTube भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। YouTube पे देखो कि YouTube पे तुम्हें ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सर, फ्री में सीख सकते फ्री में हो, सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते ठीक हो। है। और तो अभी तुमको क्या बोलते हैं, मैं तो खुद ही लोगों को बोलता हूँ कि अगर तुम्हारे पास मान लो पैसा नहीं है यार, YouTube से अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। एक एक टॉपिक की लिस्ट बनाओ, एक एक टॉपिक को सर्च करके YouTube पे नोट्स बना लो अच्छा सा, ठीक है। बिल्कुल तुम्हें जरूरत ही नहीं है ऐसा चीजों की। हाँ, अगर तुमको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है या फिर तुमको एक गाइड नहीं मिल रहा है, तब हमारे जैसे कुछ टीचर्स को तुम पकड़ो और अफोर्डेबल चीजों को अफोर्डेबल फी पे अपना कंप्लीट कर लो, अगर तुमको ना, डायरेक्शन नहीं है गाइड तो। गाइड गाइड की तो बात मैं मानता हूँ, गाइड तो हाँ एक होना चाहिए सर, करेक्ट, बट मोटिवेशन की बात यह है कि मोटिवेशन तो तो खुद से अंदर से आता है, अंदर से वो आता है कोई ना, नहीं दे सकता, वो कोई नहीं करेक्ट दे सकता, करेक्ट। वो तो खुद से ही आएगा। वो जब अंदर हो जाएगा मुझे करना है ये चीज को, तो ऑटोमेटिक कैसे होता है कि मैं भी परसों एक बुक पढ़ना था मुझे, और वो बुक मुझे पढ़ना ही था, तो ऐसे दिमाग से अंदर से पता कैसे, जैसे होता है ना कि भूख होती है कि ये पिक्चर देखेंगे, वैसे भूख हो गई कि बुक पढ़ेंगे। और मैंने फिर क्या किया, अपना सारा काम बंद करके उस बुक को पहले पढ़ा, और जब 1-1.5 घंटा पढ़ लिया तो वैसे अंदर से सेटिस्फेक्शन जैसा लगा, वाह अच्छा हो गया, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि कहते हैं कि ये कौन सी बुक है, बट ये एक्चुअली ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी फील्ड में जब ज्यादा इंटरेस्ट हो तो लगता है कि उसके बारे में कितना जान लूँ, जी है ना, सर, ठीक है। और वो समय नहीं पता चलता है, ऐसे कई सारे यूट्यूब पे भी तुम वीडियो देखते होगे या फिर अपने ऐप पर भी देखते होगे, यूनिक सिविल पे या कोई भी जो तुम्हारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगता पूरा देख के ही उठेंगे। हाँ ये तो रहता है। प्लस हाँ मेरा इस टाइम ध्यान थोड़ा, जैसे मैं हिंदू, मैं किसी धर्म को कुछ नहीं कह रहा हूँ, जैसे मैं हाँ हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, हाँ तो मैं क्या है, इस टाइम मुझे गीता पढ़ने का बहुत जोर जोर से मतलब अरे अंदर से इच्छाएं उठती हैं, और पढ़ता भी हूँ, मैं गीता पढ़ता हूँ, गीता की क्लासेस लेता हूँ। हाँ सेम यथारूप वाली यही है मेरे पास भी सर, मजा आता है एक एक बहुत मजा श्लोक आता है, में, मतलब पूरी जिंदगी का सार है इसी में, सार है जितने इसका। हमारे वेद ऋग्वेद उनका सबका अर्क है ये। और एक्चुअली और कोई भी बुक, मुझे तो ये लगता है गीता का तो कोई वो नहीं है भाई, बहुत ग्रेट, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी बुक को अगर सुबह पढ़ने लगो ना, तो जो बुक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, एक माइंड का जो ग्रोथ होता है यार, वो बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल ये मैंने सही देखा है। बात। हाँ ये मैं अब अपने अपने हिसाब से आपको ये बताना चाहूंगा, मुझे पे क्या इसका इफेक्ट हुआ वो मैं बता रहा हूँ।
मैंने लगभग 4 महीने पहले, 4 नहीं 3 महीने हो गए, हाँ 3 महीने से मैं लगभग जुड़ा इससे, गीता वीता से। फिर हमने धीरे धीरे गीता पढ़ना स्टार्ट की। पहले तो इतना इंटरेस्ट नहीं आया कि ये है, फिर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो पता लगा एक्चुअल जिंदगी है क्या और हम क्या कर रहे हैं। और सर आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हमने वो अच्छी अच्छी चीजें अपने माइंड में डाली तो उससे हमारी कैप्चरिंग पावर इतनी बढ़ गई अपनी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, कि मुझे हाँ एक बार कोई चीज बता देता है मेरे दिमाग में वैसे छप जाता है। ऐसा है, मुझे तो ऐसा मतलब बार लगता बार है। मुझे, बार बार मुझे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कोई भी सपोज कोई भी हेल्प होती है, अगर हम कहीं पे फंस रहे हैं, कोई सीनियर हमारा बता दिया या कुछ भी हो गया, वो मुझे याद रहती है। लोग कहते हैं तुम लिख लो, नोट्स बना लो। पहले शुरुआत में 1 महीने तक हमने बनाए, फिर जो हमें लग गया यार ये तो हमें याद ही रहता है, वो उस चीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आया सर। वो उस उधर फील्ड से नहीं, इधर दूसरी फील्ड में आ गया, दूसरी फील्ड में आ गया। जबकि जबकि फोकस हम किसी दूसरे फील्ड में कर रहे थे। तो जैसे शरीर का खाना होता है, ये आपका ही डायलॉग में बोल रहा हूँ, जैसे शरीर शरीर का खाना होता है वैसे दिमाग का भी खाना होता है। दिमाग में अच्छी चीजें डालोगे अच्छा आउटपुट निकलना ही है, निकलना निकलना और है। वो अच्छे लेवल पे आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सोचने पे मजबूर कर देगा वो। मैं अभी इसको कैसे फेस किया, मतलब कैसे मैंने इसको रियलाइज किया, मैंने पहले थोड़ा मेडिटेशन करता था, पर मैंने मेडिटेशन को बीच में अभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि ठीक है अभी नहीं करता हूँ बस। मैं लेकिन जब मैं बुक्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं ये मेडिटेशन से भी ज़्यादा पावर कर, एक्चुअली मेडिटेशन ही हो जाता है, जो कि जब आप कंसंट्रेट हो, मेडिटेशन है क्या, कंसंट्रेशन को एक कर बिल्कुल लेना, और जब बुक पर कंसंट्रेशन हो गया, एक हो गया ना ऑटोमेटिक, तो मुझे लगता है ये मेडिटेशन का ही दूसरा अल्टरनेट है कि आप आराम से केवल फोकस होके बुक्स को पढ़ लो, और वो बुक्स पढ़ो जो थोड़ा सा दिमाग को एनर्जी दे। प्लस कहते हैं ना कि खाना तो बहुत से मार्केट में है, पिज्जा भी बिल्कुल है, बड़ा पाव भी है, समोसा भी है, तरह तरह की चीजें हैं, पर अगर उन खानों में देखा जाए तो हेल्दी खाने बहुत कम है, ठीक है। और बिल्कुल वैसे ही हेल्दी बुक्स भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक्स तो बहुत ढेर सारे मिल जाएंगी, वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जो खड़े हो जाओ वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, पर वो डाइट ऐसी डाइट है जो कि किसी फायदे में नहीं है। लेकिन जैसे तुमने गीता जी का नाम लिया, उसके अलावा और क्या बहुत से बुक्स है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मैं तो सबसे पहले बुक को पढ़ने का स्टार्टिंग किया था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से, शायद मैंने तुमको बताया था, पावर ऑफ मैंने भी सबकॉन्शियस पढ़ी माइंड से, अच्छी। हाँ वहीं से मैंने स्टार्ट किया। तो मुझे समझ आया कि यार ये साला सब कुछ गेम तो पीछे वाले दिमाग में है, ठीक है, मतलब कुछ भी इंसान कर सकता है अगर ये खोल लिया तो, है मुझे ना। मुझे मतलब मोटिवेशन इतना उससे भी नहीं मिला, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से भी नहीं मिला जितना मुझे गीता से मिला। और इसका तो कोई मैं तोड़ ही नहीं है। पहले पहले मैं बैठ के मतलब मेडिटेशन करता था सुबह सुबह उठ के, लेकिन वो क्या था 10 दिन 15 दिन फॉलो किया, फिर ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हो गया, तो ऐसा मतलब चलता रहता था। अब मैं क्या किया हूँ, अब मैंने माला ले लिया सर, तो मैं माला माला लेके मैं जप करता हूँ, टहलते टहलते अपना भगवान का नाम भी हो जाता है और भक्ति भी हो जाती थोड़ी, और माइंड भी कंसंट्रेट हो जाता है। ये देखो मेरा तुम्हारा पास बहुत ज्यादा मिलता है। मेरे पास भी है सर। मैं जस्ट नहाता हूँ, नहाने के बाद एक बार चैंटिंग करता हूँ। लोग बोलते हैं बहुत बार करना चाहिए, बट बहुत बार नहीं हो पाता है, मैं एक बार चैंटिंग कर लेता हूँ। और मैंने सोचा इसके नंबर्स को बढ़ाएंगे बट धीरे धीरे, तो मैं खुद भी मतलब चैंटिंग से क्या होता है ना, चैंटिंग इज ऑल अबाउट नॉट लाइक कोई वो नहीं है, चैटिंग से हमको ये सीखने को मिलता है कि मैं एक माइंड जो है कैसे एकाग्र हो जाए एक चीज पे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल और मैं तो बोलता हूँ चैटिंग मत करो, जो भी करो बस एक कंसंट्रेशन हाँ मिला लो, तो ये हाँ इसका गोल जो है ये अपना अपना तरीका है किसको क्या तरीका। अच्छा लगता हाँ है, जैसे मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ऐसे हाँ करता नहीं हूँ। मुझे भी एक्चुअली सच बताऊँ मेरा भी यही चॉइस है कि मुझे इसका बड़ा बेनिफिट मिला। और एक दिन ऐसे मैं बताता हूँ, एक दिन मैं टेम्पल में बैठा था, तो वहाँ पर ऐसे एक लेडी ने मुझे ऐसे गाइड किया, और उसके बाद मैं बैठ के इस चीज़ को रियलाइज किया, मुझे बड़ा मतलब एक कहते ना एक शांति टाइप का भी फील किया होगा ऐसा कभी स्पिरिचुअल टाइम में, बिल्कुल कि एकदम पीस मिल गया, मतलब है क्या लाइफ, ठीक है। एंड सी वॉज द साइंटिस्ट इन क्या बोलते हैं US, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं वो मुझे गाइड किया ऐसे कि क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे। मैंने बोला यार हम लोग छोटी मोटी चीज़ें कर लेते हैं तो बड़ा अपने पता नहीं किस लेवल पर चले जाते हैं, ये साइंटिस्ट सही है और ये मुझे बात क्या बोलते हैं इतने पोलाइटली चीज़ों को हैंडल कर, वो भी साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं US में साइंटिस्ट है, मतलब उसका लेवल कुछ तो अलग ही होगा, ठीक है। फिर मैंने बिल्कुल उसको थोड़े से फॉलो किया तो पता चला कि क्या बोलते हैं उसका जो लेवल है वो PM और ये सब से डायरेक्ट बात करने वाला लेवल है, इस लेवल की लेडी और आराम से एक जगह मंदिर के किनारे में बैठ के चैंटिंग कर रही है, तो मुझे लगा शायद ये चैंटिंग का ही कमाल है जो यहाँ पर पहुंची है, बिल्कुल सर ठीक है। बिल्कुल। मतलब फायदे तो हैं, ऐसा जी नहीं जी है कि
माइंड को एकाग्र करने का फायदा नहीं है, फायदे तो बहुत सारे हैं बट उनको यूटिलाइज कर पाओ सही डायरेक्शन में तब। सही बात है। अभी चक्रा ही खुलते हैं इंसान के, तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों में चले जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसको निचोड़ को एक सही जगह पहुंचा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल। है कि एनर्जी को तुम लेके कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल था ना कि अभी 12-13 साल के बच्चे हैं, अब सीधी सीधी बात है कि वहीं से उनका एक वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रचलन आज के टाइम में थोड़ा जल्दी होने लगा है, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम और रील्स और क्या बोलते फिल्टर लगा लगा के, आज तक मैंने नहीं सीखा कि फिल्टर होता कैसे। मैंने एक दिन, मुझे पता ही नहीं था कि एक मैंने आईफोन लिया था पीछे, तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें फिल्टर होता है, बिलीव नहीं करोगे, मतलब मुझे पता ही नहीं था। तो क्या बोलते हैं, एक दिन किसी ने बहुत अच्छे से एडिट करके दिया, फिर मैंने कहा यार ये एडिटिंग एडिटिंग कैसे, मेरे मोबाइल में कैसे हो गया, बाद में पता चला कि अरे आपके मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर है। मैं कहा है, तो मतलब कुल मिला के ये कि हमारा दिमाग ही नहीं जाता इन सब चीज़ों में कि इसके ऑप्शन कैसे हैं और कहाँ से ये सब, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हमने तो लिया हुआ है कि यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, खत्म बात, ठीक है, और हमारा दूसरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य ये है कि अपना काम पूरा हो। तो उसके अंदर जो फीचर है, हम लोग का दिमाग ही नहीं वहाँ पर, आई थिंक जाना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल वो दिमाग, वो यूजलेस चीज़ें हैं, उसको तो मैं 5-10 हज़ार रुपये में किसी को हायर कर लूंगा, वही करके देगा, सीधी सीधी बात है, सही बात ठीक है। और क्या बोलते, चलो बहुत अच्छा लगा शुभम, काफ़ी तुमने लर्निंग शेयर किया और आई थिंक सबको ही बहुत अच्छा लगा होगा इस चीज़ को लेके। जी सर, जी सर। और एक एक अभी प्रचलन ये मतलब मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये जो आपने अभी बोला 10-12 साल की ऐसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम चालू हो जाता है, तो इससे दूर ही रहो तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कुछ एक्सेप्शन होते हैं कि कुछ हो, किसी लोग कहते हैं कि इसके साथ में उसका साथ है तभी ये आगे बढ़ गए, कि मेल के साथ में फीमेल का साथ होता है तभी बढ़ जाता है, ये है वो सब कहने की बातें हैं, फिल्मी डायलॉग हैं, वो उन सबसे कुछ होता नहीं है। साथ होता है अगर फीमेल का तो बस आपकी माँ का होता है और मैं किसी और किसी का नहीं साथ होता है, बाकी अपनी मेहनत होती है और वो सब मेहनत तभी हो पाएगी जब आप एक डायरेक्शन में फोकस करके मेहनत करेंगे। और अगर आप मतलब इधर उधर, शायद मुझे लग रहा है कि 15 साल से 20-22 साल तक की एज में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आते बहुत हैं, ज्यादा बार बार मन करता है कि जैसे कोई लड़की लेके टहल रहा है तो हम भी टहलें, ये है वो है, सब सबके मतलब वो तो नेचुरली है सर, वो ऐसे भाव आते ही हैं, लेकिन उनको आपको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। पुराने जमाने में डिस्ट्रैक्टिंग क्या, हाँ पुराने जमाने में क्या होता था, गुरुकुल होते थे। गुरुकुल क्या होते थे, जंगलों में होते थे, गांव से बहुत दूर, बहुत दूर, तो उनको क्या है शुरुआत से ही बच्चों को पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना और एनर्जी पूरा एनर्जी सही डायरेक्शन में लग जाता था। एनर्जी अपनी अपनी एनर्जी कंजर्व करके रखना और कुछ चैंटिंग वगैरह जो भी है माइंड को फोकस रखना, ये सब शुरुआत में ही उन्हें सिखाया जाता था। और जब तक वो मतलब 20-25 साल के होते थे तब तक उनमें इतनी मेच्योरिटी आ जाती थी जितनी आज के जमाने के 50-55 साल के लोगों में लोगों को है, नहीं, ठीक है उनमें इतनी मेच्योरिटी आ मिल जाती जाता, थी सही बात है। और वो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होते थे क्योंकि वहां कोई आते ही आता नहीं था, किससे डिस्ट्रैक्ट होंगे, किससे सही बात है, फोन वगैरह चलते नहीं थे, किससे बात करेंगे, किसको लव लेटर लिख के भेजेंगे, कोई पोस्ट कभी ये भारतीय डाक तो चलती नहीं थी, कोई इधर कोरियर वाला सिस्टम था नहीं, तो ये चीज मेरे हिसाब से वही पैटर्न अगर फॉलो कर ले आदमी, फॉलो होने में दिक्कत आएगी मैं मान रहा हूँ इस जमाने के हिसाब से, तो लेकिन अगर आपने वो पैटर्न फॉलो किया, मैं ये नहीं कह रहा 100%, 20% भी फॉलो किया ना, तो जो भी भीड़ दौड़ रही है उससे हाँ आप कम से कम अलग है, 10%, 10-10 गुना आगे निकल जाएंगे भीड़ निकल जाएंगे, से केवल करेक्ट 20% फॉलो करने से। ये मैंने करेक्ट खुद आजमाया हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ सर। बहुत सही बात, तुमने बहुत बड़ी बात बोली एक्चुअली। और सच बताऊँ ना तो वो तो जो पुराना टाइम था वो तो बहुत अच्छा था। मैं तो अभी बोलता हूँ जो अपने इंडिपेंडेंस के टाइम का ही अगर तुम टाइम देख लो, जब डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, जब से जब टीवी का इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, हम लोग के यहाँ तो बजट ही नहीं था ना, 1947 में टीवी कहाँ रही होगी हमारे यहाँ पर, है ना। तो बिल्कुल सर, क्या बोलते हैं, जब टीवी का प्रचलन नहीं था, मोबाइल फोन का प्रचलन नहीं था, तभी देख लो बहुत से आप लोगों देखो भगत सिंह को देख लो, ठीक है, अभी किस एज में क्या लिटरेचर पढ़ते थे उनका, अगर तुम कभी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मैंने तो पढ़ा हुआ है भगत सिंह को और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा हुआ है, तो लगता था यार ये 22-23 साल में इतना बड़ा सोचते थे। अभी हम लोग का जो और बाईस क्या। तेईस साल है, इसकी जो मेच्योरिटी है और उनकी मेच्योरिटी जो है वो बहुत अलग थी,
लेकिन हम लोग 22 23 में बिल्कुल क्या सर, सोचते थे, जो तुमने सच बताया कि वही चीजें सोचते थे, अरे यार इसकी देखो ये, इसके साथ इसके पास इतनी अच्छी बाइक है, इसके पास ये है, और ये सिगरेट कुछ इस तरीके से छल्ला बना रहा है, तरह तरह की चीजें होती थी जो हम लोग कॉलेज में आप सबने देखा हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में। और बट यही चीज आज से 50 साल पहले कम था डिस्ट्रैक्शन, मुझे 50 के छोड़ो, मैं तो सोचता हूँ 20 साल पहले कम था, हाँ, 20 साल। जितना जितना टाइम पीछे जाओगे उतना कम ही डिस्ट्रैक्शन था। और प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी लोगों की, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अभी ढेर सारे मैं राइटर्स को बहुत प्रीफर करता हूँ, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी को है, निराला जी को, बहुत पढ़ता रहता हूँ, जिनको बहुत पसंद भी है हमें ये लोग, तो मैं इन लोगों को देखता हूँ कि ये लोग अपने लाइफ में कितनी ढेर सारी बुक्स लिख के चले गए और इतने बड़े बड़े थॉट लिख के चले गए, और दादा हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तभी उस थॉट लेवल पे मैच नहीं करा पाएंगे, है ना। और उसका मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल, और प्लस हम मैच कराने की कोशिश भी नहीं करते, दिक्कत तो ये है सर। दिक्कत ये है कि क्योंकि हम सीधे से हम कहीं और इंगेज है ना, हाँ वही तो बात है, ठीक है। हम ये सोच रहे, अब सपोज ये भी दिक्कत सबसे बढ़िया है, मान लो हमने कह दिया कि आप दूर रहो ये लड़की वाली से, सबसे अच्छे जिंदगी जियो। अब क्या है ना, जैसे आपके 4 5 दोस्त हैं, उनकी सबके गर्लफ्रेंड है, आप एक मतलब सिंगल टाइप के हो बंदे, अब आपके पास कोई फोन भी आ रहा है ना, तो वो आदमी कहेगा लड़की से बात कर रहे हो, लड़की से बात कर रहे हो, ये है वो है। अरे सीन बहुत कहने दो है। यार, हम अब फिर उस चक्कर में पता है सर, सोचते हैं ये कहता रहता है लड़की से बात कर रहे हो, लड़की से बात कर रहे हो, अब हम मतलब वो कहना नहीं चाहते, फिर कहेंगे अब हम लड़की पटा के दिखाएंगे उनको, इस चीज में उतर आते, मतलब कंपटीशन एकदम नीचे कीड़ों लेवल की, जैसे कीड़े लेवल कीड़ा होता है ना, कीड़े के लेवल का कंपटीशन कर रहे हैं भाई, ये कोई कंपटीशन हुआ, ये क्या कंपटीशन तुम्हें हुआ, जिंदगी में आगे लेके जाएगा? अरे ठीक कहने है। दो, हम जानते ना हमारे अंदर क्या है, वो बात है ना, ये बहुत जिसकी रही छोटी सी भावना, चूक है, भाई एक मुझे चौपाई याद आ जाती, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी देखी तिन तैसी, तैसी। सोचने दो किसी को कुछ भी सोचे, हम जानते ना हम में क्या है, हम जानते हम क्या कर पाएंगे, वो तो उठाएगा नहीं, वो तो कुछ करेगा नहीं, जब कुछ काम पड़ेगा तब तो हमें करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो हमारा काम कर देगा आके, अभी 3 4 साल कॉलेज में है, फिर वो अपने रास्ते, हम अपने अपने रास्ते। रास्ते, सही बात है। और मुझे लगता है कि जो जो करियर बनाने का टाइम है वो टाइम हम लोग ये रील्स और क्या बोलते हैं आज के टाइम का हिसाब से, अब पहले तो आप बिलीव करो अभी रील्स तो मेरे भी कॉलेज टाइम में रील था ही नहीं, ठीक है। रील्स छोड़ो, वो क्या बोलते हैं, और डाटा 2 GB भराना मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और वो डाटा को भरा के अगर रील देखना हो तो हम लोग को बेवकूफ़ी लगती, उस समय में भी आज भी मुझे बेवकूफ़ी लगती है, जबकि वाईफाई है। लेकिन ऐसा लगता है ना कि यार ये वाईफाई का सबसे इम्पोर्टेंट तो समय है ना, कि हमारा 1.5 घंटा अगर कहीं पे जा रहा है, अभी मैं पीछे कुछ ऑफर्स आए थे, मैं घंटों घंटों के मुझे 10 हज़ार 12 हज़ार रुपये तक ऑफर कर रहे थे लोग, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी वैल्यू अपनी है, इस वैल्यू को हम चाहें तो और इंक्रीज कर लें पढ़ के, हो सकता है अगर मैं 10 हज़ार रुपये अभी चार्ज कर रहा हूँ तो ये 20 हो सकता है, 25 1 लाख भी हो सकता है ना। बिल्कुल सर, और इस 1 घंटे को मैं बर्बाद करूँ अगर रील्स को देखने में या फिर ये सब चीज़ों को देखने में, मैं तो लोगों को बोलता हूँ मेरे खुद के शॉर्ट वीडियो मत देखो, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलता। इवन शॉर्ट वीडियो का एक डिसएडवांटेज बताओ शुभम, कुछ भी मेमोरी से यहाँ सेव नहीं होती है, ठीक है। इवन कोई मतलब ये जो पॉडकास्ट है ना ये बहुत लर्निंग से भरा है, ठीक है। ये नहीं कह रहा लेकिन हूँ ये मैं पूरा, लेकिन ये पूरा देखेंगे कोई नहीं नहीं, देखेगा, दिक्कत अब तो वही है। यहाँ तक कोई देखेगा ही नहीं, अगर कोई देखेगा तो कमेंट करना, शायद एक आध लोगों पर होंगे ही नहीं, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। रीजन ये ये तो है बात, कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कोई XYZ एक्ट्रेस नाच नहीं रही है, ठीक है, यहाँ सिर्फ काम की बात हो रही है, तो मुझे लगता यहाँ है वही कि कहेंगे कहेंगे क्या बाबा जी वाला ज्ञान दे रहा है, ज्ञान दे रहा है यही बाबा जी वाला, सोचेंगे। ठीक है। और एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो ये हम लोग जो दे रहे हैं ये लर्निंग है, और सीधे सीधी बात है कि हम लोग अपने इस एज ग्रुप से गुजरे हुए हैं, तो हमें पता है कि यहाँ पर इस चीज़ पर अगर कंट्रोल कर लो, ठीक है, अभी तुम भी अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो आई थिंक अगर तुम्हारे लेवल पे तुम्हारे तक लोग पहुंच जाए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं भी अपने लाइफ में थोड़ा बहुत जो अच्छा कर रहा हूँ, यहाँ तक मेरे इस ग्रुप में अभी मैं बहुत लड़कों को देखता हूँ तो उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है, जी जिनके सर, पास बैकग्राउंड नहीं है वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, मेरे पास तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, सबको पता है मेरे पिताजी ऑटो ड्राइवर थे, अब 200 300 रुपये की रेडी क्या नहीं थी, तो यहाँ तक की यात्रा करना। मैं तुमको एक काम की बात बताता हूँ, मैंने शायद मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या तुमको, 6वीं क्लास में मैंने देखा था बल्ब कैसा होता है, ठीक है। मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ कि क्या बोलते हैं हमारे गांव में 5वीं क्लास तक बिजली ही नहीं थी, ठीक है। वी आर जस्ट यूज टू दैट दिया, याद होगा दिया, बस पुराने टाइम में दिया लालटेन होती थी ना, तो हम लोग की स्टडी उस लेवल पर होती थी। मुझे लगता है कि चलो यार
अपन ने हम काफी भी स्ट्रगल किए। हमने भी दिया से ही पढ़ा है। हाँ 10th हमारा पूरा दिए में ही गुजरा, मिट्टी के हाँ तेल वाला दीपक जो होता है उसमें गुजरा। और 10th में मतलब 3:30 बजे सुबह उठ जाते थे, उसका हर हालत बेनिफिट में बेनिफिट उठा दी होता था कि उजाला उठा दी मिल जा जाए। रहे थे। मम्मी उठा देती थी और इतनी गुस्सा लगती ना कि मतलब ये क्यों लोग उठा देते हैं 3:30 बजे। और 5 5 बजे से कोचिंग होती थी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दियों में 5 बजे मतलब एकदम अंधेरा ही रहता है सर, हम लोग पांच के यहाँ बजे ठंडी, से जो कोचिंग। ठंडी जिस लेवल की पड़ती है अरे गांव में इतनी हालत खराब हो जाती थी। और मुझे आज भी वो गांव में ही अच्छा लगता है, शहरों में ही अच्छा लगता है सर, तो अगर भाई देखा साहब जाए तो। लाइफ का जो क्या बोलते हैं, एक्चुअली कहते हैं ना कि शहर में लोग मेडिटेशन करते हैं, गांव में दिन भर मेडिटेशन है। ठीक है, दिन भर वहां पर और हर क्या। एक काम में मेडिटेशन, आदमी एक मन लगा के एक काम में लगा रहता है आराम से। तो क्या है ना कि शहर में मेडिटेशन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वहां पर हर काम में मुझे मेडिटेशन दिखता है। यहाँ यहाँ पिकनिक मनाने पार्क में जाते हैं, वहां खेतों में ही पिकनिक है। खेतों में पिकनिक है, दिन भर बैठे हुए हैं, वही एक सबसे बड़ा पिकनिक है। सही बात है कि मतलब, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों को क्या होता है कि बोलने के लिए लोग नहीं मिलते किससे क्या बात करें। ठीक है, वहाँ पर तो क्या बोलते हैं, बस आपको जब मन करे तब आप जिससे चाहो उससे, जिस तरीके से। मुझे खुद भी एक्चुअली मतलब विलेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करता है। और लेकिन हाँ ये है कि विजन के साथ रहो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अभी जो हम लोग की जी एज ग्रुप है इसमें विजन बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लाइफ बिल्कुल में। जैसे कि मेरे भी लाइफ में कुछ विजन्स हैं, एक विजन तो मैं यही है कि मुझे एक सिविल इंजीनियरिंग डोमेन का एक ऐसा प्रोफाइल इसको बनाना है, रिस्पेक्टिव इतना प्रोफाइल बनाना है कि सिविल इंजीनियरिंग मीन्स एक रिस्पेक्टेड प्रोफाइल, बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफाइल। ये मेरा विजन वो है। आएगा, आने वाला है इन फ्यूचर, ठीक क्योंकि है, पता है सर कोई एडमिशन ले नहीं रहा सिविल में, अब डिमांड है सप्लाई है ही नहीं, सप्लाई है और ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, जो लोग वो हैं उनके प्लस लिए प्लस पॉइंट पॉइंट है। है, ठीक है, वही लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर अभी मैं मेहनत कर लोगे आगे बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू एड होने वाली है आगे, तो कोई वो कहा नहीं जाता है जब वो क्या, अरे कुछ कहा जाता है कि मतलब उनके झुंड में वो भी शेर होते हैं, कुछ ऐसे कुछ कहावत हाँ, है जहां कोई तो। नहीं वहां रेड़ है महापुरुष। हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ रेड़ का हाँ पेड़ बहुत तो इजी होता है ना, हल्का होता है हाँ बहुत, कुछ उस हाँ तरीके तो से। ऐसे ही कुछ आगे कुछ ऐसा ही होने वाला है। और तब अगर आप में अभी वैल्यू ऐड कर लेंगे ना तो आप उन पे शासन करेंगे, तब शासन करेंगे, सही बात ये है। मान के चलिए। और तो मैं तो ये तुमको भी आज यही इस पॉडकास्ट से, तो मैं तुमको एक सजेशन यही देना चाहूँगा कि अपने लाइफ का एक बड़ा विजन क्रिएट कर लो। ठीक है, विजन सबका होता बिल्कुल है कि सर्वाइव अच्छे से करना है, तरह तरह के होते हैं। एक बड़ा विजन, जैसे मैंने ये बोला ना, एक काफ़ी बड़ा विजन है कि एक सिविल इंजीनियर को एक रिस्पेक्टेड प्रोफाइल पे पहुंचाना, ये मेरा विजन है। ठीक है, ये एक विजन है, हो सकता है दो तीन और विजन भी होंगे। तो तुम्हारे भी लाइफ में मुझे लगता है कि अभी विजन तो होगा, ये फिक्स है। पर विजन बिल्कुल ना कहते हैं कि क्या बोलते हैं, छोटा सोचना ही नहीं है ना, सोचना ही बड़ा है। तो विजन को थोड़ा इस लेवल पर सोच लो कि यार अपन को यहाँ तक पहुँचाना है खुद को, एट द लास्ट कि जब हम इस धरती को छोड़ रहे हैं, ठीक है, इस शरीर को छोड़ रहे हैं, तो हमें लगे कि हाँ यार जो विजन पाया पकड़ा था, क्योंकि लाइफ में विजन नहीं है तो सीधी सीधी बात है आप मृत्यु के समान ऐसे ही हो। मैं ये मानता हूँ बिल्कुल कि अगर तुम्हारे लाइफ का विजन ही नहीं है, करना क्या है ये क्लियर ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब ऑलरेडी मर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ सही ये बात है। वो कोई फिर वो मैं ऐसे समझता हूँ कि वो हाँ मतलब जानवरों की कैटेगरी में आते जानवर हैं, कैटेगरी में, क्योंकि क्योंकि पता है क्या जानवर क्या करता है। जानवर देखो सुबह रात भर मतलब सोना, सो के सुबह उठना, भोजन की तलाश करना, भोजन की करना तलाश करके अपना दिन भर खाना पीना, शाम को सो जाना, बच्चे पैदा करना, यही। और हम लोग भी वही कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब बहुत सुबह उठ रहे हैं दिन भर अपने, मान लो कहीं कुछ जा रहे हैं, कुछ भी कमा रहे हैं, खाने की तलाश में तो कमा रहे हो, खाने की तलाश में कमा रहे हैं, और फिर वही शादी वादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करना। लेकिन अलग क्या बनाता है जानवरों से, एक स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और सोचने समझने की बुद्धि ताकत हमारे पास, माइंड उनके कंपेरिजन में बहुत अच्छा है, अगर हम उसको यूटिलाइज करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज उनसे हमारे पास डिफरेंट है, तो उसी को यूटिलाइज नहीं करती आज की दुनिया। मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ ना सोम, ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ तुमने बोला एक्चुअली। और मैं इस चीज़ को कैसे देखता हूँ कि जैसे कि अगर हमारा एक विज़न हो जाए कि मुझे पुणे से दिल्ली जाना है, क्लियर एक पाथ मिल जाए। ठीक है, क्योंकि देखो सब किसी लाइफ का, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ, मान लो मेरी लाइफ ऐसी है कि मुझे पुणे से मेरी लाइफ को अचीव करना है, कि मैं पैदल पुणे से दिल्ली जा रहा हूँ और ये रास्ता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, विज़न हो गया।
और जब मेरे पास विजन रहेगा ना, तो मैं भले बीच में कुछ काम करूंगा भाई, सीधे वहां तक पहुंचना है तो खाना पड़ेगा, तो मैं जॉब भी करूंगा खाना खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मुझे रोड का नॉलेज भी चाहिए, इसलिए गूगल मैप का भी बिल्कुल सहारा लूंगा, तो मतलब थोड़ा बहुत बिल्कुल लर्निंग करूंगा गूगल मैप से। तो लर्निंग कर रहा हूँ किस लिए, कि मुझे उस विजन तक पहुंचना है। अर्निंग कर रहा हूँ किस लिए, क्योंकि उस विजन तक के लिए सर्वाइव करना है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं खुद अगर गुरुकुल चला रहा हूँ, ठीक है, अब गुरुकुल को अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर दूँ, पहली बात तो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे इंसान, पहली चीज तो सबसे बड़ी बिल्कुल चीज होती है। दूसरी चीज क्या होगा कि हम उस रास्ते तक पहुंच नहीं पाएंगे जहां तक का विजन है कि ये सबको पहुंचाना है वहां तक, तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तुम्हारा विजन हो सकता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा रेपुटेटेड कंपनी खोलना है जिसके अंदर, मे भी तुम्हारा विजन क्लियर होगा, तुम्हें खुद पता होगा, मे भी जी जिसके सर। अंदर बहुत से बच्चे आए और अपने करियर को एक लंबी ऊंचाई दे, और क्या बोलते हैं, जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज के नाम हो या स्ट्रक्चर कंसल्टेंसीज का नाम हो, तो सबसे पहले मेरी कंपनी का नाम लिया जाए कि ये कंपनी है जो एक अलग मुकाम के लेवल तक पहुंची हुई है। एक विजन बिल्कुल हो सर सकता है, और इस विजन को सर्वाइव करने के लिए आज हम जॉब कर रहे हैं भाई, सीधे सीधे वहां तक पहुंचने के लिए हम कौन सा घर से 10-15 करोड़ हमारे पास थोड़ी है ना। तो सही बात तुम्हें है। सर्वाइव करने के लिए तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, पर लर्निंग कर रहे हो उस विजन को पूरा करने के लिए, तो तुम्हारा पाथ क्लियर हो गया। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि पाथ क्लियर हो और साथ ही साथ विजन क्लियर हो कि यार यहाँ था, अब ये नहीं विजन, विजन यही रखो कि 10,000 की जॉब लेनी, 20,000 की जॉब, ये कौन सी विजन है? 20,000 की जॉब इसलिए लेना है कि सर्वाइव करना है, 20,000 की वही बात, उस विजन तक पहुंचने के लिए जो भी हमें 10, 20, 2,000 की भी मिले, हमें फ्री बिल्कुल में लेना मिले, है, हमें वो भी करनी पड़ेगी ना, करनी क्योंकि पड़ेगी, हमें उस विजन तक पहुंचना है। पहुंचना है। और वो विजन जिसके पास नहीं है, अब वो 20-25-30 हज़ार रुपए में बोले अरे क्या टेंशन है, अभी तो मस्त सैलरी चल रही है। हाँ सही है, सही है, 20-25 हज़ार रुपए सही है, लेकिन अगर फ्यूचर को विजन नहीं है तब तो सही है, लेकिन तब तो वही जो तुमने बोला जानवर की कैटेगरी। अब इसमें ये बात बोल देना चाहता हूँ, मैंने किसी को स्पेसिफिक जानवर कहा नहीं है, मैं बस जस्ट एग्जाम्पल दिया था मैंने, अब कोई कुछ समझना मत कि हमने किसी को जानवर बोल दिया है, अगर इस टाइप का काम कर रहा है तो। क्या बोलते हैं, नहीं एक्चुअली देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग की भी, तुम्हें बचपन में मार पड़ी होगी, मुझे भी बचपन मार पड़ी है अपने माता पिता से, बिल्कुल बहुत बट बहुत पड़ी, बहुत ठीक है, पड़ी मुझे लेकिन तो। उनका इंटेंशन ये थोड़ी था कि इसको मार के खत्म कर दूं, उनका सही बात है, इंटेंशन ये था कि ये बन जाए, वो है अगर ना, मार पड़ी नहीं होती तो इस लेवल पे होते नहीं हम होते ही ना। नहीं है, ठीक है। तो जो हम लोग ये वर्ड भी यूज कर रहे हैं थोड़ा खरा है, लेकिन ये वर्ड शायद जागृत कर दे कि नहीं भाई यार कुछ विजन तो रखना पड़ेगा बड़ा, ठीक है। सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा ही कड़वा होता है तो सर। ये वही मार है जिसको, जो कि किसी को क्या बोलते हैं, हीन नहीं पहुंचाना है, बस ये बताना है कि भाई विजन रखो लाइफ का बड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। तो बहुत अच्छा है तुमने ये बात किया, तो मुझे भी याद आया कि क्या बोलते हैं, हमें विजन के लिए सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं जो, ठीक है आप सबका, कई लोग मुझे बोलते हैं ना सर मैं खुद का काम करना चाहता हूँ, बस डिग्री पास करूँ तब। मैं बोलता हूँ कि जब तक क्या बोलते हैं, तो तुम खुद भी इस चीज को बोलोगे कि सर डिग्री के बाद जो मेरा नॉलेज था और आज का नॉलेज में डिफरेंस है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर एक्सपीरियंस नहीं लिया और डायरेक्ट काम करने चले गए, तो ज्यादातर लोगों को मैंने यही देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, वो शटर लगा देते हैं बाद में, तुम इसको देखे हो गया अगर, तो है ना। तो मैं यही बोलता हूँ कि काम लाना, और शायद एक बार तुमसे भी इस बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कंपनी अगर ओपन करना है तो सबसे पहली चीज काम लाना और काम करना और काम करवाना, ये तीन, काम करवाना इन द सेंस एचआर का काम आपको पता होना चाहिए कैसे लोगों को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत बिल्कुल ढेर सारे लोग ना अच्छे मैन पावर नहीं अरेंज कर पाते हैं, इसकी वजह से फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज काम लाना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और करना तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि एक बार अगर तुमने समोसा की दुकान खोल दी, एक बार तो मैं आ जाऊंगा देख के कि बड़ा अच्छा पोस्टर लगा हुआ है, खाने के बाद डिसाइड होगा दोबारा आना है कि नहीं आना है, क्वालिटी क्वालिटी, क्वालिटी तो ये काम करना हो गया ना, ठीक है। जी तो ये सर, तीन चीजें मेरे को लगता है कि हम लोग को एक्सप्लोर करना चाहिए, और तुमको भी काफी लर्निंग मिली होगी। चलो अभी इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा निकलना है आज, एक जगह पे क्या बोलते जाना है, और यहाँ पे एक रावेत जगह है, तो वहाँ पर एक फ्रेंड है और भैया है एक्चुअली, उनकी दादी का देहांत हुआ है, तो आज 13वीं है तुमको पता ही है, 13वीं में, तो जी उसमें मुझे सर, जाना है, और इसलिए अभी 12 बजे 12:30 तक है, तो अभी निकल रहा हूँ, और क्या बोलते हैं, होप तुमको भी मजा आया होगा, बोर नहीं हुए होगे, बिल्कुल कुछ सर। नया मिलना होगा एक्सप्लोर करने को, हाँ, मुझे तो ये सब मजा आते हैं बताने में। ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्या बोलते हैं, मैं जो अपने अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ ना, वो सब चीजें शेयर करने में बहुत मजा आता है सर। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। मुझे किसी ने पर्सनली ऐसे ही क्या बोलते हैं, एक ने बोला कि एक मेरे दोस्त लोन ले रहा था, तो मेरे मेरे किसी दोस्त ने मुझे बोला कि
कि यार तुम उसको गाइड कर देते तो नहीं लेता लोन, क्योंकि वो लोन लेगा जी लॉन्ग टर्म में वो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने बोला मैं उसको कह नहीं सकता हूँ क्योंकि एक बार मैंने भी ले रखा है, ठीक है। मैंने तो बहुत छोटा लोन लिया था बहुत पहले, जब कॉलेज का टाइम पे, कॉलेज क्या एक्चुअली जॉब स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास ना मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो एक मोबाइल फ़ोन मैंने लिया था जिसके लिए मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये थे और मोबाइल फ़ोन 8,000 का था। तो मेरा लोन तो बड़ा मजाक वाला लोन था, 3,000 रुपये का EMI मैंने किया था। मेरे लाइफ का पहला और आखिरी लोन था वो। मैंने बोला यार मैंने ले रखा है और इसके बाद अगर मैं उसको गाइड करता हूँ कि ये तुम मत करो तो गलत होगा, ठीक है। तो पहले हमें बिल्कुल खुद को ये उस तरीके से करना पड़ेगा कि हम खुद सही हैं, तो फिर दूसरे को गाइड करने में बड़ा मजा आता है और अच्छा कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि हाँ यार अपने नहीं किया है तो अपन इसको बचा सकते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि हम देखते हैं कि हमने कुछ भीड़ से हटके किया भीड़ है, से हटके किया भीड़ से हटके किया है, और वो हमने किया है, और वो सक्सेसफुली हमने हमारे ऊपर अप्लीकेबल भी हुआ है। गया, अब करेक्ट। क्यों ना हम भीड़ में एक दो लोगों को और भी सुधार लें, हाँ बस वही मजा आता। वो धीरे धीरे अपने आप ही, मुझे तो सच बताऊँ ना कि अभी बिलीव करो अभी मुझे ना कुछ जैसे कि जो जिस काम में आपको पसंद है, तुम स्ट्रक्चर के तुम बैठते हो, तुम डिज़ाइन करते चले जाते हो, है ना। तो जी अभी सर। जैसे कि ये जो टॉक है हम लोग को इतना मज़ा आ रहा है, ठीक है, करने को हम और लंबा भी करने को बहुत इंटरेस्ट हो सकता है और कर भी बिल्कुल लगे, ठीक है। बस बस कैसे होता है ना कि किसी को जैसे प्रॉमिस कर रखा है कितने बजे मैं रीच कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अमिताभ बच्चन से सीखा हुआ है। अमिताभ बच्चन का कोई एक इंटरव्यू था, उसमें वो 5 मिनट लेट पहुँचे तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने बोला कि माफ़ी चाहूँगा मैं 5 मिनट लेट हो गया। तो क्या बोलते, कपिल शर्मा के शो, मुझे याद आया कपिल शर्मा के शो में। तो मेरे को बड़ा हैरानी हुआ कि ये अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन बहुत बड़ी चीज़ हो गई, और इनको बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। समय की अहमियत पता है ना उन्हें, पर उनके अंदर भी है कि झुक सकते हैं जहाँ पर हमने झुकना मिस्टेक किया हुआ है, पड़ेगा। झुकना पड़ेगा। और शायद इसीलिए होता है, बच्चन है, एक्टर तो बहुत है, लेकिन मेरे भी फेवरेट वही है। मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड नहीं देखता हूँ, और लेकिन ये ज़रूर है कि एक मतलब जो अचीव किया है ना कुछ वो अलग ही दिखता है, तो अमिताभ बच्चन उनमें से एक है, मुझे ऐसा लगता है। चलो और क्या बोलते हैं, शायद हम लोग थर्ड पोस्ट कार्ड भी कभी करेंगे कभी, इन द सेंस जब भी लोगों का इच्छा होगा तो कमेंट करेंगे तो हम लोग फिर से पॉडकास्ट करेंगे एक दिन। हम लोग जी ऐसे, सर मेरा मन है कि हम लोग एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करेंगे जिसको इस पे बिल्कुल नहीं डालेंगे, यूनिवर्सल पे नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या बोलते, हो सकता है किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, तो अपना जो जी सर दूसरा चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा, आकाश पांडे वाला चैनल पे। बिल्कुल तो उससे क्या होगा बिल्कुल, कि सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करेंगे उसमें, ठीक है, जिंदगी जीने का तरीका पता जिंदगी लगेगा जीने का लोगों तरीका। और मुझे बड़ा मतलब मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज को। में, तो 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ उस पर करेंगे, ठीक है, और ज्यादा नहीं, मार्च के महीने में करेंगे होली के बाद, ठीक है। चलो बिल्कुल थैंक यू शुभम, और क्या बोलते हैं, तुम्हें वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप सबको अच्छा लगा होगा, सभी लोग लाइक करना, और सबसे बड़ी बात ये कि शुभम की इस वीडियो को फैलाना, मैं चाहता हूँ कि शुभम का नाम काफ़ी दूर तक फैले, कोई दूसरी कंपनी देखे तो बोले यार इस बंदे को मुझे अपने पास रखना चाहिए क्या, ठीक है, और इस पैकेज पे, ठीक है। चलो ओके शुभम, बाय। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी।